Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So today we will discuss about biological magnification from chapter number 15, our environment. Yeah, don't know the number. Okay, so our environment chapter is there, right? In our previous video we have discussed about food chain and food web. ठीक है, इस लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है, सो हाउ इट इज कॉज्ड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. हार्मफुल केमिकल विल लीड टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं जनरली एग्रीकल्चर में, उसके कारण ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है वो होता है. ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. प्रोसीडिंग टू द फर्स्ट स्टेप, we use several pesticides, herbicides and other chemical. Now what is pesticides? Pesticides are the chemical which is used to remove the insects from the crops. Herbicides are the chemical which is used to remove the unwanted plants that is present with the main crop. तो ये सब pesticide और herbicide हम किसके ऊपर spray करते हैं? Soil या फिर water bodies में भी ये present होते हैं due to industry exhaust waste. Industry जो अपना waste है वो dispose करती है, उसके कारण water bodies में जमा हो जाता है. या फिर सोइल में हम डायरेक्टली स्प्रिंकल करते हैं. ठीक है, सो इट में आइदर गेट्स वॉश्ड अवे विद वाटर और इट में आइदर गेट एब्जॉर्ब इन द सोइल और इन द वाटर बॉडीज, बोथ, राइट. सो आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस केमिकल वेयर इट विल गो इन द फर्दर स्टेप, दिस केमिकल विल बी ट्रांसफर टू प्लांट्स. नाउ व्हाट, ये प्लांट्स है वो फूड चेन में सबसे प्राइमरी पोजिशन गेन करता है, मतलब की सबसे पहली पोजिशन इसकी होती है, प्रोड्यूसर है ये. तो सब केमिकल कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे चले जाएंगे. अब देखना है, यहाँ पे एक ही एरो मैंने मेंशन किया, एक एरो मतलब थोड़ा सा केमिकल प्लांट में गया है. अब ये प्लांट के ऊपर जो केमिकल आ गया है वो फिर से ऊपर जाएगा सब ट्रॉपिक लेवल में, तो थोड़ा और केमिकल डिपॉजिट होके यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल में चला जाएगा. ठीक है, सो ये ट्रॉपिक लेवल क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन आता है. तो ट्रॉपिक लेवल के लिए आपको इसका प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा. द एनर्जी फ्लो which happens in a food chain is known as trophic level. The energy flow right from the producers to primary consumer to the secondary consumer to the tertiary consumer. And as you all know, only 1% of the energy is captured by producers and out of it only 10% is utilized for the consumers. Okay, तो ये सब trophic level होते हैं, मतलब कि पूरा food chain, producer, primary consumer, secondary consumer, ऐसे होते हुए वो टॉप ट्रॉपिक लेवल तक पहुंचने वाला है. टॉप ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या, सबसे ऊपर एनर्जी लेवल में कौन आएगा? ह्यूमन. तो ये हमारे शरीर के अंदर जाने वाला, क्यों जाएगा आप बोलोगे, सर ऐसे कैसे जा सकता है? वी ईट फ्रूट्स, वी ईट पल्सेस. ठीक है, तो ये सब चीजें के कारण आ सकता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ठीक है, जो भी चीज एग्रीकल्चर से आती है वो सब चीजों के कारण ये केमिकल है वो डिपॉजिट हो गए हैं सबसे ज्यादा ये ट्रॉपिक लेवल में, टॉप ट्रॉपिक लेवल में. क्योंकि हम सब अगर ट्रॉपिक लेवल में कंपैरिजन करेंगे तो टर्सरी कंज्यूमर में आते हैं, मतलब टर्सरी लेवल में आते हैं. ठीक है, प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर लेवल में आते हैं, वहां पे तो सबसे ज्यादा केमिकल डिपॉजिट हो जाएगा. तो वही फिनोमिना का नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. मीन्स व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन, द केमिकल डिपोजिशन ऑन द टॉप ट्रॉपिक लेवल due to the chemical which is accumulated in each and every tropic level, right, flowing from the plants to the human, such type of phenomena is called biological magnification. Simple भाषा में बोलूं तो plants से जो chemicals आते हैं, ठीक है, वो हर एक tropic level में transfer होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? Humans तक पहुंच जाते हैं, राइट. और ये केमिकल्स ऐसे होते हैं कि हम अगर चाहे तो भी उसको रिमूव नहीं कर सकते. अगर वो वेजिटेबल में केमिकल डिपॉजिट हो गया है देन यू कैन नॉट रिमूव इट बाय वॉशिंग सिंपली, राइट. उसमें कुछ और मेथड करनी पड़ेगी और प्राइमरी लेवल पे मतलब कि हाउस होल्ड लेवल में वो मेथड पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट बॉइल द वेजिटेबल्स, राइट, द न्यूट्रिशन लेवल विल डिक्रीज. सो दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. इसीलिए मैंने पहले से ही बोल दिया था कि हार्मफुल केमिकल से होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. मींस द एक्युमुलेशन ऑफ केमिकल इन ईच एंड एवरी ट्रॉपिक लेवल अप टू द टॉप ट्रॉपिक लेवल दैट इज ह्यूमन बॉडी, राइट. सच फिनोमिना एंड ऑल्सो केमिकल आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. ये केमिकल है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब सोइल में रहेंगे तो थोड़े और सालों तक वो रहते ही जाएंगे. ठीक है, मतलब वो अर्थ है वो उसको डिग्रेड कर पाएगी नहीं, राइट. सो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक phenomena which is happening naturally,
नेचुरली क्यों होता है? क्योंकि हमने आर्टिफिशियली केमिकल डाले हैं। किसमें डाले हैं? सोइल या वाटर बॉडीज में। तो इसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वी ऑल ईट फूड टू गेन एनर्जी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ओजोन लेयर है वो फॉर्म होता है, कैसे ओजोन लेयर है वो हमें काम आता है, और कैसे ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता है, मतलब उसमें होल क्रिएट हो जाते हैं। ये सब हम टर्न बाय टर्न देखने वाले हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो, यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। पर इंटरेस्टिंग थिंग क्या है मालूम है? अब हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली यूवी रेडिएशन के कारण ही तो ओजोन लेयर फॉर्म होता है। अरे आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं। सी, फर्स्ट वी विल सी ओजोन लेयर फॉर्मेशन। ओजोन लेयर फॉर्मेशन, ठीक है, ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होता है पहले तो मालूम है नहीं। ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ये आपको याद होगा शायद। स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। हमारे एटमोस्फियर के अपर लेयर में ओजोन लेयर होता है, वो नीचे आएगा तो वो बहुत ही पॉइजनस है हमारे बॉडी के लिए, हम डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ये याद रखना, O3। ठीक है, ओके। नाउ एज यू ऑल नो, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अवर एटमोस्फियर। हाउ मेनी परसेंट? 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ठीक है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना, हाँ ये तो मालूम है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो हमारे लाइट के साथ जो यूवी रेडिएशन आते हैं, लाइट के साथ यूवी रेडिएशन, वो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देंगे O+O। तो ये कौन सा एटम है? ये ऑक्सीजन का डाई एटम है। डाई एटम मतलब दो, दो है राइट। और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का मोनो एटम हो गया। ऑक्सीजन है ये, और ये मोनो एटमिक है, मोनो एटम। अभी ये एटम बहुत ही अनस्टेबल है, किसी के साथ रिएक्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो ये फिर से क्या करेगा, ये जो एटम है वो फिर से आके और एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, और ये फिर से बना देगा आपका ओजोन, ओजोन। ठीक है, ये ओजोन लेयर है वो फिर से अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, इसीलिए तो लाइट रेस जब इसके ऊपर गिरती है तो डीकम्पोज हो जाता है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपने मेरे पहले फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं, देन यू कैन सी दैट वीडियो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये ऑक्सीजन का डीकंपोज होके दो मोनो एटम बने ऑक्सीजन के। ठीक है, ये मोनो एटम है वो अनस्टेबल है, तो ये कोई भी एक एटम जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने और क्या बन जाएगा, बन जाएगा ट्राई एटमिक, ट्राई एटमिक ऑक्सीजन बन जाएगा, ट्राई एटमिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये ट्राई एटम है और इसका नाम है ओजोन। ठीक है, फॉर्म हो गया O+O2। ये तो फिर से कहां पे प्रेजेंट होता है, ये 21% वाला ही है फिर से ऑक्सीजन, विच इज प्रेजेंट इन योर एटमॉस्फेयर। तो इन दिस वे ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड। ओके, चलो ये तो समझ में आ गया, ये ओजोन लेयर फॉर्मेशन की कहानी है। अब ये ओजोन लेयर हमें काम कहां आता है? देखो, ये ओजोन लेयर हमारे अर्थ के ऊपर, इट एक्ट एज अ शील्ड फॉर ह्यूमंस, बिकॉज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। ठीक है, देखो तो एडवांटेज क्या हुआ इसके, वो देखता हूँ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओजोन लेयर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ O3 लेयर, इसके कुछ एडवांटेज तो होने चाहिए ना भाई। हाँ, तो सबसे पहले इट प्रोटेक्ट्स। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है मालूम है आपको? ओके, सबसे पहला है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। समझ में आ गया, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। ठीक है, अभी ये यूवी रेडिएशन कैन कॉज कैंसर, स्किन कैंसर, कैन कॉज स्किन कैंसर और अफेक्ट, किसको अफेक्ट करता है मालूम है? इम्यूनिटी सिस्टम, कैन ऑल्सो अफेक्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम को वो आपकी वीक कर देगा। इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगा, आप डिजीज को इजीली कैच कर लोगे। तो ये है पूरी कहानी ओजोन लेयर फॉर्मेशन की। पहले ओजोन
लेयर फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हेनेवर द सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द डायटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट डीकंपोज इनटू टू मोनो एटम. वन मोनो एटम ऑफ द ऑक्सीजन इज इटसेल्फ मोनो एटम इज अनस्टेबल. इट कंबाइंस विद डायटॉम ऑफ ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स ओजोन. ट्राईएटम मॉलिक्यूल. ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया. अब ये तो बन चुका है, अब हम डिप्लीशन की कहानी देखते हैं. ये ओजोन लेयर जो है उसमें डिप्लीशन मतलब क्या कि भाई ओजोन लेयर प्रेजेंट है तो वो ऊपर तक डिप्लीट कैसे होता है? डिप्लीट का मतलब होल फॉर्मेशन. ओजोन लेयर डिप्लीशन. देखो ये है पूरा हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है, और उसके ऊपर ब्लू कलर का मैं बनाता हूं पूरा एक है, ये है ओजोन लेयर. ठीक है, ये है ओजोन लेयर. ओजोन लेयर मतलब O3, 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 ठीक है, ओके. और यहां पे आता है हमारा अर्थ, ERTH, ठीक है. चलो यहां से हम एरोसोल कैन यूज करते हैं, मतलब कि परफ्यूम. हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, मतलब कूलिंग एजेंट, R410A, ठीक है, वो तो अभी इको फ्रेंडली है. CFCs यूज करते हैं हम एज ए रेफ्रिजरेंट, ठीक है. CFC क्या है? तो अर्थ से निकल के आएगा CFC, ये है क्लोरो फ्लोरो कार्बन. इसका पूरा फॉर्मूला निकल के आएगा, इसको आप जानते हो, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्लोरो फ्लोरो कार्बन. कहां से निकलता है मैंने बता दिया, रेफ्रिजरेंट से निकलेगा, एसी से निकलेगा, एरोसोल कैन से निकलेगा, ठीक है. ये जो है पूरा जो रेफ्रिजरेंट, ये एक उसका एक सीएल एटम क्या करेगा मालूम है? इसका एक सीएल एटम विल रिएक्ट विथ योर ओजोन एटम. चलो यहां पे लिखता हूं, दिस सीएल एटम विल रिएक्ट विथ O3 एटम एंड इट विल डिसोसिएट. डिसोसिएट मतलब ये O3 के ट्राई एटम को वो तोड़ देगा, तोड़ के वो एक बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है. और क्या बचेगा? O2 बचेगा, राइट. तो ये डिसोसिएशन होता है, इसके कारण ये फिर से ये ओजोन लेयर है वो क्या बन गया अल्टीमेटली, ये तो क्लोरीन ऑक्साइड हो गया, ये क्या बन गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया. फिर से ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और ये इसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया. यहाँ पे ऑक्सीजन के तीन एटम थे, वो तीन हो गए. देखो आप देख सकते हो ये तीन एटम है, वो सेपरेट होके हो गए दो एटम, राइट. सो इन दिस वे द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड. तो हर एक ये क्लोरीन एटम जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्लोरीन एटम जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा. इसके कारण क्या होगा बताओ? इसके कारण ये जो तीन एटम वाला था वो वापिस O2 बन जाएगा, यहां से भी वो डिसोसिएट होके O2 बन जाएगा, फिर से एटमोस्फियर में चला जाएगा. फिर से इसको किसकी राह होगी बताओ? फिर से इसको किसकी राह होगी? फिर से उसको यही एटम की डिसोसिएशन की राह होगी. समझ में आ गया? तब ये फिर से ओजोन एटम होगा. फिर से क्या होगा? सनलाइट आएगा, उसके अंदर कोई एक रेडिएशन होते हैं जिसका नाम है यूवी रेडिएशन. ये क्या करेगा? इसको डिसोसिएट कर देगा O+ को. फिर क्या होगा बताओ? ये ओ है वो फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हो जाएगा ओजोन. फिर ये जाएगा ऊपर ये लेयर में, क्योंकि ये गैसीय स्टेट में होता है, फिर ये ऊपर चला जाता है. समझ में आ गया? यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, ठीक है. तो ये ऑक्सीजन है वो किसकी राह देखता है? यूवी रेडिएशन की, दैट कम्स फ्रॉम योर सनलाइट, विच डिसोसिएट O2 इनटू मोनो एटम्स. दिस मोनो एटम विल कंबाइन विद डायटम ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म ओजोन एंड दिस ओजोन विल गो टू द स्ट्रेटोस्फीयर. नाउ सी द न्यू टॉपिक दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज गार्बेज मैनेजमेंट. गार्बेज मतलब कि जो वेस्ट जनरेट होता है उसको आप कैसे मैनेज करोगे. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली चार वेज लिख दिए, ठीक है. तो देयर आर फोर वेज टू कंट्रोल द गार्बेज इन योर सिटी, इन योर होम टाउन, राइट, इन योर विलेज और इन इंडस्ट्री. सी दीज आर द फोर वेज. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वे, दैट इज रिसाइकलिंग. ये रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है पेपर है वो रिसाइकल हो सकता है, प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो सकता है. तो ऐसी चीज जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जो एनवायरनमेंट है या अर्थ है वो डिग्रेड नहीं कर सकती, देन यू कैन यूज दिस रिसाइकल मेथड.
so that the old objects can be used in a different way, right? For recycling, the pre-steps are to segregate the type of waste. मतलब आपको solid waste अलग करना पड़ेगा, liquid waste अलग करना पड़ेगा, biodegradable waste अलग करना। इसके लिए recycling करने से पहले segregation is too much important. So segregation is an important part for recycling. Composting, ये composting का मतलब क्या है? Vegetable waste है, fruit waste है, vegetable waste है, fruit waste है, घर का खाना बचता है, वो सब हम wet waste में गिनते हैं, ठीक है? So you can do one thing that you can use such waste to prepare a fertilizer by using which process? By using decomposition process, which will be done naturally by microorganism and enzymes. How? You can have one pit, एक खड्डा खोद के उसमें ये सब waste डाल देना, right? And after few days, you will find that all of this waste, that is vegetable waste, fruit pills, all will be decomposed and degraded into small parts. So such thing will, due to such compost manure will be produced due to such process, and that can be used for a fertilizer. And which fertilizer? Natural fertilizer. You can use it as a natural fertilizer. Okay. Now, what is the meaning of landfill? Landfill का मतलब क्या होता है? एक खड्डा खोदना है, उसके अंदर सब कचरे को डाल देना है और उसके ऊपर सोयल डाल देनी है। बहुत ही सिंपल है लैंडफिल। कोई ऐसा वेस्ट होता है जिसको आप बाहर एक्सपोज करके रखना नहीं चाहते, या फिर वो हार्मफुल होता है, या फिर वो एक ऐसा वेस्ट हो जाए जैसे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट है, उसको सोयल के नीचे सबमर्ज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके रेडिएशन है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है? लास्ट में जो बचता है, जो एयर पोल्यूशन को भी कर सकता है, उसका नाम है बर्निंग द वेस्ट। बर्निंग द वेस्ट, राइट? जनरली ये ज्यादा प्रिफर करते हैं इंडिया में, बर्निंग द वेस्ट। जो भी कचरा है उसको बर्न कर दो, बर्न करके फिर हमें क्या डिसएडवांटेज? तो बर्न करके हमें क्या डिसएडवांटेज होगा? ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा देगा, एयर की क्वालिटी इंडेक्स है वो घटा देगा, तो ये सब चीजें हमें अफेक्ट होने वाली है, राइट? सो होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर कंसेप्चुअली एंड इन डिटेल, राइट? तो तब तक पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द वीडियो। थैंक यू।